नमस्कार, मैं हूँ विस्मय अलंकार। हजारीबाग के आंगो प्रखंड में जो बालिकाएं हैं माध्यमिक स्कूल की, वो आंदोलन पर उतर आई हैं। सड़कों पर उतरकर उन्होंने शिक्षकों की वापसी की मांग की है। वो शिक्षक जो वहां से अब अन्यत्र चले गए हैं, यानी कि उनको डिपोटेशन पे कहीं और भेज दिया गया है। खबर यह है कि इंदिरा गांधी जो बालिका विद्यालय है हजारीबाग में, वहाँ और चरही और ऐसे ही अन्य इलाकों में वहाँ से उन शिक्षकों को भेजा गया है डिपुटेशन पे। ये शिक्षक विज्ञान के शिक्षक थे, ये शिक्षक गणित के शिक्षक थे। और इसके बाद चूँकि दूर दराज का बिल्कुल इलाका है, आंगो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ की बच्चियाँ अब आंदोलन कर रही हैं कि उनके जो शिक्षक थे उन्हें वापस किया जाए, क्योंकि अब उन्हें अपनी पढ़ाई में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहती हैं इस बारे में, आइए आपको सुनवाते हैं। स्कूल की बात कर रहे हैं, आंगो उत्क्रमित विद्यालय जो है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये तो बात अभी संज्ञान में आया हुआ है। और जैसे हम बीओ से जो खबर लिए हैं कि वहाँ पहले 19 टीचर्स थे, जिसमें से 3 का पूर्व में ही प्रतिनियोजन किया गया है। वो भी जो प्रतिनियोजन किया गया है, कहीं टीचर्स की कमी होने के कारण किया गया है। तो अभी भी अगर देखें तो लगभग अगर 19 में 3 माइनस करें तो 16 टीचर्स तो हैं। तो 16 टीचर्स हैं, तो अगर योग्यता के अनुसार है स्नातक में, तो वो तो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इसको एक बार जांच कराते हैं कि बच्चों के बीच में किस विषय के लिए क्या कठिनाइयां हैं। और अगर इस तरह से कुछ है तो इसको हम देखते हैं, देख लेंगे इसको हम, ताकि बच्चों के पढ़ाई में बाधित ना हो। तो सुना आपने पुष्पा कुजूर जी को, जो क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक हैं हजारीबाग में, और उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। क्यों ये कहा है और कैसा है आंदोलन, क्या कह रही हैं, आइए आपको हम पूरी वो तस्वीर दिखाते हैं जो यहाँ पे हो रही हैं। जहाँ एक ओर शिक्षकों की किल्लत है, उस संख्या में शिक्षक नहीं हैं जितने होने चाहिए, लेकिन साथ ही यह सुखद है कि अब जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो अपने मांगों को लेकर आंदोलनरत हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि उन्हें शिक्षक दिए जाएं। और अब ये सरकार के पाले में है कि वो जल्द से जल्द इन शिक्षकों की बहाली करें। और दूर दराज के वैसे क्षेत्र, खास करके हजारीबाग का ये क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी शिक्षकों की भारी कमी है। तो इस कमी को दूर करने के लिए अब सरकार को प्रयास करने चाहिए। विस्मय अलंकार, लगातार.in के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।